टीचरों को पहली बार मुलाकात की थी अपने ऑफिस में लाके साल में, हमें तो मैडम से भरोसा है और मैडम सब थे, हमें पता है उस समय फीस थे, हम किसी भी चीज में दखल अंदाजी नहीं करते। तो जिन तीन टीचरों की गाड़ियां लिखी है वो तो यहाँ आ जाए, मुझे क्लैप करना पड़ता है। जिन तीन टीचरों की गाड़ियां लिखी है, गाड़ियां अली शेखानी साहब की गाड़ी को स्टेज पे आ जाए ताकि उनके लिए बाकी तमाम जितने पेरेंट्स हैं उनसे क्लैपिंग तो करवाएं। अली शेखानी साहब की क्लैपिंग कर रहे हैं भाई। मैडम भी आए ना, मैडम को भी अच्छी खासे लाखों की उसमें बोनस मिला है, 1-2 लाख नहीं है, हैवी रकम है, हैवी। तो हमने पुरानी अंदाजी रखी थी ऑफिस में, तमाम टीचर्स पर्चे पे अपना नाम लिख के डाल रहे हैं और जिस टीचर का नाम निकलेगा यकीन जा रहे थे किसी को नहीं पता था क्या होगा। तो फिर मैंने एक टीचर का सोचा था उनकी परफॉर्मेंस को देखते हुए, फिर मैंने अली शेखानी साहब को मैसेज किया, मैंने कहा ये तो सबको देनी पड़ जाएगी गाड़ियाँ, तो उन्होंने तीन गाड़ियों पर इतफा किया। तो मैडम को हमने गाड़ी दी थी, आज भी बात है मैडम को अगर गाड़ी देते तो कम से कम मर्सिडीज देते, मर्सिडीज अगर देते तो जितना स्कूल का खर्चा आया है 9-10 करोड़ रुपए इतना ही लग जाता शायद, हम पुरानी अगर गाड़ी देते। तो मैडम आपका इंशाल्लाह हम शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन मैडम को हमने कैश में रकम दी है, कम से कम 10 मिनट लगे होंगे अगर 100 रुपए वाली गड्डियों की सूरत है मैडम ने गिनती की, लेकिन इन सबको मिले अभी नहीं है, 12 जून को मिलेंगे। अच्छा माइक दे पहले टीचर के हाथ में, माइक तारुफ कराए। आपने गाड़ी चलाना कितने अर्से पहले सीखा था? सर ऑलमोस्ट 15 साल पहले। कौन सी गाड़ी है आपके पास? सर मेरे पास इस वक्त फास्ट है। आपकी अपनी है? मेरे हस्बैंड की है। अगर आप बोलती अपनी है तो किसी और को गिफ्ट करा देता हूँ। ठीक है, तो यानी चलानी आती है, लाइसेंस बना हुआ है, मुबारक हो आपको, आगे बढ़ा। मैडम आपका तो जाती अकाउंट होगा ना, शोहर का बनिए ना, मैडम के जाती अकाउंट में जाएंगे आगे। मैम गाड़ी चलानी आती है? नहीं आती। आपको कौन सिखाएगा पता है? ये सिखाएंगे ना, इनको आज से 15 साल से चला रही है। आपको सिखाएंगे, लाइसेंस बनवा लें, आप गाड़ी चला के आएंगे तो अच्छा लगेगा, बाकी टीचर्स भी अपनी गाड़ियों में आते हैं। आपको गाड़ी चलानी आती है? आती है। हाँ गाड़ी आपकी अपनी है? हस्बैंड बैठे हैं। चले आप सबको वार पे सबके लिए तालियां बजा रहे हैं, खुश नसीब टीचर आज उनको गाड़ियां मिली हैं, और गाड़ी हमने नई ली है, 7 लाख रुपए मालियत की टैक्स गाड़ी होगी, लाजिम बात है, हम अभी स्ट्रगल कर रहे हैं और हमारी कोशिश है हम इस जैसे कराची में तकरीबन 100 स्कूल खोलें, और जो कराची मिडिल क्लास आवाम के साथ बातचीत हो रही है फाइनेंशियल लेवल पे, और जो आइंदा नहीं होनी चाहिए, हमने स्कूल में एडमिशन का क्राइटेरिया और सख्त कर दिया है, और हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि किस बच्चे के वालिद के पास गाड़ी है नहीं है, हो सकता है बच्चे का वालिद वो गाड़ी करीब में चलाता हो, लेकिन अगर किसी बच्चे के वालिद के पास एसेट्स हैं, लैंडलॉर्ड है, उसके पास प्रॉपर्टी है 1 करोड़ रुपए की, 2 करोड़ की, 4 करोड़ की, तो मैं समझता हूँ उसका शरण इखलाकत हक नहीं है उसके बच्चे को उस स्कूल में एडमिशन दिया जाए। तो हम इसके ऊपर आइंदा एडमिशन में सख्ती करेंगे, और बाकी इंशाल्लाह मैं आपको यकीन दिलाता हूँ ये जो फैकल्टी यहाँ पर खड़ी हुई है ये प्राउड फैकल्टी है। मेरे साथ अभी यहाँ पर एक पाकिस्तान की बहुत बड़ी शख्सियत बैठे हुए थे, और अभी बस 2 मिनट पहले वो उठ के यहाँ से गए हैं, और यूनाइटेड नेशन से उनका ताल्लुक था, उन्होंने मुझे जाते जाते ये जुमला बोला कि जफर अब्बास मैंने पाकिस्तान के एक सबसे बड़े स्कूल से तालीम हासिल की है, और प्री मॉन्टेसरी और मॉन्टेसरी में ये सब जो यहाँ हो रहा है ये मेरे साथ भी नहीं हुआ, और मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। तो मैं इस इवेंट के नकाब पर और इसकी मेहनत पर, इस इवेंट की तैयारियों पर, इस इवेंट को यहाँ तक पहुँचाने पर मैडम
हैदर, वसीम, ऑन, फसी और जो लोग भी हैं कमाल टीचिंग स्टाफ, इन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इस स्कूल को आगे बढ़ा रहे हैं और हमारी कोशिश है इंशाल्लाह एक दिन वो भी आएगा जब स्टेज के ऊपर भी पंखा लगा हुआ होगा। थैंक यू।